ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर निर्वासित तिब्बती सरकार की उम्मीदें भी प्रबल होने लगी हैं। निर्वासित तिब्बती सरकार को उम्मीद जगी है कि विश्व शक्ति देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर निर्वासित तिब्बतियों का दर्द साझा करेंगे और उन्हें भविष्य में उनके स्वदेश वापसी के द्वारा खोलने की मांग अदा करेंगे। 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर निर्वासित तिब्बती सरकार की उम्मीदें भी प्रबल होने लगी हैं। निर्वासित तिब्बती सरकार को उम्मीद जगी है कि विश्व शक्ति देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर निर्वासित तिब्बतियों का दर्द साझा करेंगे और उन्हें भविष्य में उनके स्वदेश वापसी के द्वार खोलने की भूमिका अदा करेंगे। निर्वासित तिब्बती सरकार के डिप्टी स्पीकर येशी फुनसुक ने अपनी सरकार की मंशा जाहिर करते हुए कहा कि ये बड़े ही गर्व की बात है कि भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति दौरे पर आ रहे हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश हैं और जब भी इन दो महाशक्तियों का आपस में मिलन होता है दुनिया में बड़ी हलचल पैदा होती है। चीन जैसे देश को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। आज अगर उन्हें उनके स्वदेश तिब्बत में कोई अगर भिजवा सकता है तो दुनिया की ये दो बड़ी महाशक्तियां ही हैं। ऐसे में उन्हें पूरी उम्मीद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने निर्वासित तिब्बतियों की समस्या को ट्रंप के सामने जरूर उठाएंगे और उन्हें भी भविष्य में तिब्बत वापस जाने का मौका मिल सकता है। स्वागत मानेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी का यहाँ आवागमन होना और भारत के प्रधानमंत्री का जी का वहाँ अमेरिका में वहाँ स्वागत का और ये एक अपने आप में विश्व में प्रजातंत्र का कितना महत्वपूर्ण है उसका अपने आप में एक पहचान है और इसलिए हम तो स्वागत करेंगे और उस स्वागत के साथ साथ बहुत सारे चर्चा होंगे तो उस समय की समय समय का अनुसार हम देख सकते हैं। हमें तो बहुत क्योंकि जब दोनों तिब्बत के विषय को नज़दीक से जानने वाले दो राष्ट्र के अध्यक्ष मिलते हैं और एक में हमारे निवासित सरकार यहाँ है परम पूजनीय दलाई लामा जी यहाँ है, दूसरी तरफ से ऐतिहासिक से संबंध है राजनीतिक से नहीं परंतु, और दूसरा अमेरिका जो विश्व भर के जहाँ संकट है जहाँ समस्या है वहाँ की आवाज़ उठाने वाले एक लोकतंत्र देश है और तमाम पिछले वर्षों से कई वर्षों से तिब्बत विषय को लेकर बहुत ही वहाँ सदन में चर्चा के साथ साथ कहीं रेजोल्यूशंस पास किया है और उसमें राष्ट्रपति मोदी जी का हस्ताक्षर भी सहमत के साथ, तो ये भी अपने आप में एक चाइना को एक दबाव है, चाइना को सोचना पड़ता है, चीन सरकार को परिवर्तन करना पड़ता है। तो विश्व के आगे बिना झुके कोई इस संसार में कोई देश नहीं है। अपने आप को अगर अपने दूसरे देशों के साथ तालमेल करके अगर रहेंगे तो आपका देश विकास होगा और मजबूत होगा। जब तक ऐसा नहीं होंगे तब तक मजबूत भी नहीं होगा, समस्या भी होगा, लोगों का आपको आधार भी नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों प्रजातंत्र के जो बड़े देश का आज जो मिल रहा है वो दुनिया से मिल कर रहने और आदान प्रदान की वजह से आज दोनों का विकास है, दोनों का लोगों के आधार है, विश्व के आधार है, विश्व लोग मानते हैं, दूसरा छोटे देश को भी मानना पड़ता है डर के नहीं, चाइना देश को डर के मानना पड़ता है मजबूरी से और भारत और अमेरिका को लोग डर के नहीं परंतु एक आधार के साथ एक उदाहरण के साथ लोग मानते हैं। थैंक यू।